इस जानकारी को निकालने की जरूरत है कि कौन दोषी है। इतनी बात मैं जरूर स्पष्ट तौर से कहूंगा कि जो भी दोषी है उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा। परिवार ने कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं, ये बात भी हम लोग के लिए चिंता का विषय है। अगर इसमें किसी की भूमिका प्रशासन के द्वारा भी पाई जाती है जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया या इसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास किया या किसी भी तरीके से आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जा रहा है, अगर इसमें भी कोई सत्य है, अगर इसमें भी अगर कोई सत्य निकला तो प्रशासन के उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी आपराधिक घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया है। अंतोगत्वा आप लोगों के माध्यम से परिवार को भी मिलकर मैंने अभी यही बात कही है कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर हम खुद सरकार भी मुख्यमंत्री जी से भी आज सुबह भी आने से पहले हमारी चर्चा हुई है, इन तमाम बातों को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आज चिंता इस बात की भी है कि इस घटना को घटे लगभग 17-18 दिन बीत चुका है, एक के अलावा किसी और की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जो मेन शूटर है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जो साजिश रचेता है जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचने का काम किया उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इस बात के आदेश एसपी साहब को भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर इसके ऊपर और तत्परता से कार्रवाई होगी। वहाँ पे जो हत्या हुई थी 2 घंटे तक परिजन डेड बॉडी को सदर पाकिस्तान में रख करके वहाँ पे वो लोग अकेले की कोई उनको सहायता नहीं मिला। उसके बाद से प्रशासन कहा गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है जिनकी उनकी बॉडी के ऊपर कई तरह की गोली के निशान से छह गोली। जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें प्रशासन के द्वारा भी कहीं पे भी कोई लापरवाही बरती गई है तो उसमें प्रशासन के भी उन अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस गंभीर मामले को संरक्षण देने का काम। सर आप केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ नौकरी की क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत खराब है भाई, वो किया जाएगा। परिवार में उनके छोटे भाई जो आश्रित हैं उनके लिए भी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सर एक सवाल, आपके आने से आधे घंटे पहले महाराजगंज जो रेलवे फाटक है वहाँ पे एक अपराधी ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया, तो सीवान में लगातार अपराधी ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों 5 हत्या हो गए 3 एक परिवार में। इसकी भी जानकारी लेकर प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए प्रशासन को मुस्तैद रहने की जरूरत है। और अगर लापरवाही अगर स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी बढ़ती जा रही है और अगर ऐसी घटनाओं को रोकने में कहीं से अगर उनकी भी कमजोरी दिखती है तो उनपे भी कार्रवाई की जाएगी। घटना पे कुछ कहेंगे भाई? हाथरस की घटना नाम नहीं, हाथरस की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया इसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि प्रशासन भी लापरवाह रहा है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहां पर आ रहे थे तो उचित वहां पे सुविधाएं वहां पे व्यवस्था की जानी चाहिए थी जो व्यवस्था की नहीं गई। शुरुआती दिनों में पार्लियामेंट में सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने इस पे अपनी तरफ से इस पे शोक जताते हुए इस पे कार्रवाई करने का आश्वासन प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा दिया गया। प्राथमिक दौर पर हम लोगों की प्राथमिकता थी कि जो घायल हैं उनके इलाज में कहीं कोई कमी ना हो। आज जब उन लोगों का इलाज ठीक से हो रहा है, कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी होंगे इंक्लूडिंग बाबा अगर ये भी अगर उसमें पाए जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई। राहुल गांधी पे क्या